हेलो फ्रेंड्स, आज हम मसाला छाछ बनाएंगे क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया। हम सभी लोग बहुत पीते हैं। ये बनाना बहुत इजी है। इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम दही लिया हुआ है, एक बाउल है, 2 ग्लास ठंडा पानी लिया हुआ है, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ी पुदीना की पत्ती है इसमें, थोड़ी सी हरी मिर्ची ली हुई है, थोड़ी बारीक प्याज ली हुई है, ये ऑप्शनल है, पिसा हुआ जीरा है, काला नमक है और सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, थोड़ी सी क्रश ब्लैक पेपर है इसमें। अब हम क्या करेंगे, एक जार लेंगे। इस जार में ये हरी धनिया, पुदीना की पत्ती डाल देंगे, थोड़ी गार्निशिंग के लिए रखेंगे, थोड़ी ग्रीन चिली डालेंगे, ये हम अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेते हैं, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हमें बहुत मोटा सा करना है, हल्का सा। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम दरदरा सा हमने इसको पीस लिया है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे और 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। वन ग्लास से थोड़ा कम वाटर ऐड किया हुआ है। थोड़ा सॉल्ट भी डाल देंगे हम, यहाँ ये प्लेन सॉल्ट डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ये ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा सा जीरा पाउडर। इसको हम एक बार और मिक्सर में घुमा देंगे। ये देखिए हमारा मसाला छाछ रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड करेंगे, आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम पहले से डाल चुके हैं, अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, इसको हम जो पानी लिया हुआ था वो डाल देंगे पूरा। अब हम अपनी छाछ को एक बाउल में निकाल लेंगे, इसमें थोड़ा और जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। अभी हमने ये ब्लैक पेपर है क्रश किया हुआ, थोड़ा सा वो ऐड करेंगे। अभी हमने 2 ग्लास ले लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे नीचे। आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्याज काफी अच्छी लगती है इसके साथ में। ये जो हमारी छाछ थी इसको निकालेंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर और हरी धनिया, पुदीना पत्ती ऐड कर देंगे ऊपर से, और पुदीना पत्ती से इसे गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन प्रेस करिए। थैंक यू, बाय बाय।